अपने गांव की स्टेडियम ग्राउंड में होने जा रहा है एक शानदार क्रिकेट का मैच, आई मीन देसी क्रिकेट। जिसमें एक तरफ है टीम पठान और दूसरी तरफ है टीम जवान। ये मैच किसी क्रिकेट ट्रॉफी या फिर किसी पैसे के लिए नहीं है, सामने वाले टीम को सबक सिखाने के लिए है, उनकी औकात दिखाने के लिए है। अब कैसी औकात, कैसा सबक चली है, ये आपको दिखाते हैं कुछ घंटे पहले। भाई ये क्या कर रहा है तू? ए पान मेरे को चाहिए। मेरा पान है यार, देना। तू दूसरा बनवा ले। दूसरा तू बनवा लेना भाई, ले। अबे पान मेरा, मैं बनवाया ना पैसा, तू दूसरा बनवाना यार। तू बनवा ले, तू दूसरा बनवा। ए पान मेरे को चाहिए, मेरा है ये। तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ लेने दे। क्या रहा है? अरे भाई ये धक्का दे रहा है यार। क्या बात है? ए पान मेरे को चाहिए भाई, मैं बनवाया हूँ ना पान। दूसरा ले ले भाई। भाई दूसरा पान बना दो यार, मेरे पास एक ही पान भाई। एक ही पान है, तू दे मेरा पान। दे पान, मैं नहीं दूंगा तेरे को। जो तू मेरा पान दे ले। सुन छोटे, यहाँ लड़ने का जरूरत नहीं है, अवकाश है तो मैदान में मिल। मैं भी किसी से नहीं डरता, जा अपने बापों को लेके आ जा ग्राउंड में। मिल रहा है, जल्दी चल भाई। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, एंड आइए अब मैच की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि एम्पायर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। क्या हो गया भाई? दोनों कैप्टन जनरल, क्या हो गया? इसको औकात दिखाना है, इसका मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास ये विमल है, इसी में करा कौन लेगा? विमल कौन लेगा? राजश्री इसमें तो विमल है, राजश्री इधर तो है। तो यहाँ पे जवान टीम टॉस जीत चुकी है, अब देखते हैं बैटिंग लेते हैं पहले। वैसे तो मैं अकेले इसे ले सकता था। तू लोग कहने का क्या मतलब? मैं ट्रेंड डिसाइड ले सकता हूँ, बस क्या ले हम लोग? मैं तो आईफोन लेना चाहता हूँ। है यार, क्या बोल रहा हूँ, क्या ले भाई हम लोग, क्या ले भाई? केटीएम ले लेते हैं यार। यार केटीएम यार, बहुत मजा आएगा भाई। यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग का बात चल रहा है भाई। अच्छा यार, मैं कुछ और सोचा भाई। नहीं ले ले, तू ले जा, ले ले जा ले। लेकिन इतना धूप को देखते हुए अपन फील्डिंग करते हैं भाई। हाँ ये बात सही बोला, क्यों हमको पता कैसे चलेगा कि हम लोग कितना रन बनाएंगे, कितना चॉइस। हाँ भाई, उसको तो उन लोग को पहले बनाने के काम करके बाद ही हम कर पाएंगे। उन लोग को देते हैं बैटिंग, उन लोग बना लेंगे, इसके बाद ओके फाइनल डिसीजन रहेगा। डन भाई, ठीक है तो चलो फील्डिंग सब लोग एकदम तगड़े से। ठीक है छोटो, बैटिंग कर ले, तेरी औकात दिखा देंगे अभी। क्यों डर गया क्या? अरे छोटे तेरे से डरना कैसा? चल आ जा बॉलिंग कर, बैटिंग कर जा। तो यहाँ पे ओपनिंग कर रहे हैं मिस्टर दानिश और हृदय। इनकी हाइट पे मत जाना, हाइट भले ही छोटी है इनकी, लेकिन छक्के छुए काफी लंबे लंबे होते हैं। और यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर इरशाद, जो कि जवान के बहुत बड़े फैन हैं। और ये मैच सिर्फ 4 विकेट का होने वाला है। परफेक्ट तरीका है भीख मांगने का। तो यहाँ पे मिस्टर इरशाद द्वारा पहला ओवर का पहला ओवर, लेकिन ये क्या है कि बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर सर द्वारा फिर से पहला ओवर का पहला बॉल। अरे ये क्या, अच्छा अच्छा ये ट्राई बॉल था। और यहाँ पे फिर से पहला ओवर का पहला बॉल और ये दानिश ने लगाया 6 रन। और यहाँ पे बॉलर का मुंह लटकते हुए पहला ओवर का दूसरा बॉल, और ये दानिश ने फिर से लगा दिया 6 रन। और यहाँ पे दानिश ने फिर से लगा दिया तीसरे बॉल में 6 रन, यानी हैट्रिक छक्का मार दिए हैं। और ये फिर से 6 रन, और दर्शकों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये सेकेंड लास्ट बॉल फेंकते हुए यहाँ पे मिस हो गया बॉल।
तो यहाँ पे बॉलर आउट बोल रहे हैं, तो इसको रिव्यू में देखना पड़ेगा कि सच में आउट है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुरू में फर्स्ट में जब बैट घुमा तो बॉल नहीं पड़ा, लेकिन जब पीछे से बैट आ रहा है तो बॉल लगता है हल्का सा टच हुआ है और उसके बाद फिर कैच हो गया। तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन पता चल जाएगा, लेकिन ये क्या यहाँ पे आउट दे दिया गया है और एम्पायर द्वारा भी यहाँ पे आउट दे दिया गया है। तो यहाँ पे मिस्टर दानिश हो चुके हैं आउट और यहाँ पे स्ट्राइक पे आ रहे हैं इस्तिखार और इधर हृदय जा रहे हैं बैटिंग के लिए। तो यहाँ पे पठान टीम का हो गया है टोटल 24 रन और यहाँ पे पहले ओवर का लास्ट बॉल बाकी है। तो चलिए देखते हैं लास्ट बॉल में फिर से छक्का पिटवाते हैं मिस्टर इरशाद या फिर विकेट लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ओवर का लास्ट बॉल, लेकिन यहाँ पे एक रन का डिमांड किया गया है, तो लगता है सिर्फ एक ही रन निकालेंगे। तो यहाँ पे एकदम आसानी से एक रन इन्होंने निकाल लिया है और यहाँ पे हो गया है पहले ओवर में 25 रन। लगता है एम्पायर होश में नहीं है और यहाँ पे दूसरा ओवर करने जा रहे हैं प्रमोद और यहाँ पे इस्तिखार का मुंह लटकते हुए इनको बैटिंग नहीं मिल रहा है क्योंकि ओवर की समाप्ति हो गई है। और यहाँ पे पहला ओवर में दानिश ने बनाया 24 रन और हृदय ने बनाया एक रन और यहाँ पे प्रमोद द्वारा दूसरे ओवर का पहला बॉल। लेकिन ये क्या, ये तो बॉल को लगातार खाए जा रहे हैं, लगता है घर से खाना खा के नहीं आए हैं। मेरे को मैं बॉल चटाने के लिए भेजा हूँ। अरे यार एक आठ तू छक्का तो मारो, मार रे भाई, कर दिया है यार, अब मार के दिखाता हूँ छक्का में। तो लगता है तीन बॉल खा के इनका पेट फुल हो गया है, तो इस बार लगता है चौका छक्का जरूर मारेंगे। और ये क्या, हृदय ने 6 रन मार के सभी के हृदय को जीत लिया है और यहाँ पे फिर से 4 रन मार दिए और यहाँ पे दूसरे ओवर का लास्ट बॉल जाते हुए तो ये तो आउट हो गए। लगता है इनको बॉल दिखाई नहीं दिया और बॉल गलती से जाके स्टंप में पड़ गया और यहाँ पे हृदय हो गए आउट और यहाँ पे ओवर की समाप्ति। और यहाँ पे पठान टीम के टोटल हो गए हैं 35 रन और यहाँ पे बैटिंग के लिए जा रहे हैं फिरोज और स्ट्राइक पे इस्तिखार हैं। लगता है इस्तिखार को बैटिंग नहीं मिलेगा, काफ़ी टाइम से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको बैटिंग कब मिलेगा, लेकिन अभी तक उनको एक बॉल छूने के लिए नहीं मिला है। और इधर बॉलिंग के लिए आ गए हैं कृष्णा भाई और यहाँ पे एम्पायर भी बॉल छूने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। और यहाँ पे तीसरे ओवर का पहला बॉल, लगता है बैट्समैन रेडी नहीं हुआ था। तो ये रहा मिस्टर कृष्णा द्वारा तीसरे ओवर का पहला बॉल और ये नाचते हुए एम्पायर द्वारा 4 रन और ये वाला 4 रन काफ़ी गजब गया है, डायरेक्ट जाके कैमरामैन को ही हिट किया है। और ये मिस्टर कृष्णा द्वारा तीसरे ओवर का दूसरा बॉल और ये फिर से नाचते हुए 4 रन और ये कृष्णा द्वारा तीसरे ओवर का तीसरा बॉल। ये क्या, ये तो मिस हो गया और ये चौथा बॉल, लगता है ये भी घर से खाना खा के नहीं आए हैं, बॉल खा लेंगे तो उसके बाद चौका छक्का फिर से मारेंगे। यार कब से खड़ा हूँ, एक रन देना, स्ट्राइक दे अब की बार स्ट्राइक दे, रुको जरा सबर करो मिलेगा। और यहाँ पे इस्तिखार को सबर कराते हुए तीसरे ओवर का लास्ट बॉल और ये क्या, ये भी आउट हो गए, कोई भी बैट्समैन एक ओवर से ज़्यादा नहीं टिक पा रहा है। और यहाँ पे ओवर की समाप्ति, टोटल हो चुके हैं 43 रन और बैटिंग के लिए आ रहे हैं मिस्टर इस्तिखार जो कि काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और लगता है काफ़ी देर सबर करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा चौका छक्का मारने वाले हैं। और स्ट्राइक पे है तौफीक और यहाँ पे बॉलिंग के लिए आ गए मिस्टर इस्तिखार जिनसे बॉल तक संभाला नहीं जा रहा। लगता है आज इस्तिखार को बैटिंग नहीं मिलेगा, ऐसे ही इनको वापस जाना पड़ेगा। और चलिए बॉल आ गया और ये चौथे ओवर का पहला बॉल और यहाँ पे इसकी पहला बॉल ही वाइड फेंका गया और यहाँ पे एक रन फ्री में मिल गया इनको और टोटल हो गए 44 रन। और यहाँ पे चौथे ओवर का पहला बॉल जो कि एक रन निकल सकता है इसमें, लेकिन ये क्या, ये तो 4 रन दे दिए, यानी कि 4 रन इनको मिल गया, पता नहीं कैसे 4 रन गया, आप एम्पायर से पूछ लेना। और ये चौथे ओवर का दूसरा बॉल जो कि काफ़ी इजी था मारना, लेकिन इस्तिखार भाई नहीं मार पाए, काफ़ी देर से सब्र कर रहे थे, लगता है ये बैटिंग करने के लिए सब्र कर रहे थे, चौका छक्का मारने के लिए सब्र नहीं कर रहे थे। और ये तीसरा बॉल जो कि यहाँ पे इजली आउट दिख रहा है क्लियर, लेकिन फिर भी इसको रिव्यू में देखा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉल टच होके गया है स्टंप से और यहाँ पे क्लियर आउट दिख रहा है और यहाँ पे टोटल विकेट की समाप्ति पठान टीम का और यहाँ पे पठान टीम ने बना लिया है टोटल 48 रन और जवान टीम को जीत के लिए चाहिए 49 रन। तो अब जवान टीम की तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं मिस्टर प्रमोद बाबू और स्ट्राइक पे हैं मिस्टर इरशाद जो कि जवान के काफ़ी बड़े फैन हैं और यहाँ पे बॉलिंग के लिए आए हुए हैं अखिलेश और यहाँ पे अखिलेश द्वारा पहला ओवर का पहला बॉल और यहाँ पे वाइट के साथ जवान टीम का एक रन का खाता खुल गया और दूसरा बॉल लग रहा है कि आउट है, लेकिन इसको रिव्यू में देखते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे बॉल टच नहीं हुआ है, पूरा साफ क्लियर दिख रहा है, लेकिन फिर भी
थोड़ा सा डाउट है, फिर भी यहाँ पे आप बॉल को देखोगे बैट में लग रहा टच है, लेकिन यहाँ पे आप इसका शैडो देखोगे तो बैट और बॉल काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे आउट नहीं माना जाएगा, इसको नॉट आउट है यहाँ पे। और ये अखिल द्वारा पहले ओवर का तीसरा बॉल, लगता है अभी घर से भूखे ही आए हैं। एक रन बना के दे रहा भाई, मैं जाके दिखाता हूं तेरे को कैसे जीतते हैं मैं। और ये पहले ओवर का चौथा बॉल, और ये किया, यही खेलने के लिए बुलाया था तेरे को, लगता है बॉल दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए स्टंप को ही मार दिया। स्टंप मार दिया। और अब बैटिंग के लिए आ रहे हैं मिस्टर इश्तियाक, और आप इनको देख सकते हो बैट को काफ़ी ख़तरनाक तरीके से अपने हाथों में लिए हुए हैं, और यहाँ पे सेकेंड लास्ट बॉल जाते हुए, ये बॉल भी लगता है वाइट ही है या राइट, पता नहीं, रिव्यू में देख के पता चलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बॉल बॉडी से टच होके जा रहा है, यानी बॉल राइट बॉल है। और ये पहले ओवर का लास्ट बॉल जाते हुए त्यांग द्वारा ये बॉल नहीं खेला जा सका, लगता है इनको बैट पकड़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। और इस एक साथ ओवर की समाप्ति, और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एक ओवर में सिर्फ एक रन। अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो पठान टीम के एक ओवर में 25 रन थे, और यही जवान टीम का एक ओवर में सिर्फ एक ही रन है। तो बैटिंग कर रहे हैं मिस्टर इरशाद, और स्ट्राइक पे इश्तियाक, और बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर दानिश। और यहाँ पे पहला बॉल भी आप देख सकते हो इसी तरीके से गया, जो कि जीरो रन निकला यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा बॉल में भी एक रन भी नहीं निकला। देख लिया क्या मार रहा था, देख लिया बस, अभी वेट कर। और ये दूसरे ओवर का तीसरा बॉल, और ये क्या मिस्टर इरशाद द्वारा काफ़ी ख़तरनाक शॉट मारा गया है, पूरा कैमरामैन ही हिल गए। और यहाँ पे 6 रन जाते हुए, यहाँ पे 6 रन निकल गए हैं, और यहाँ पे चौथा बॉल जो कि नाचते हुए 4 रन गया, और यहाँ पे टोटल हो गए इनके 11 रन। और यहाँ पे सेकेंड लास्ट बॉल जाते हुए, लेकिन एक लगता है बैट्समैन रेडी नहीं थे, लेकिन अब रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट बॉल जो कि फिर से इन्होंने मार दिए 6 रन, और यहाँ पे फिर से 4 रन, टोटल हो गए इनके 21 रन, और जीत के लिए चाहिए 28 रन। और यहाँ पे ओवर की समाप्ति, और क्या लगता है आपको जीत पाएंगे या नहीं। तो बैटिंग ले आ गए मिस्टर इश्तियाक, और स्ट्राइक पे इरशाद, और यहाँ पे पहला बॉल ही 1 रन निकल गया इजिली इन लोग का। और यहाँ पे बैटिंग में इरशाद जो कि इजिली दूसरा बॉल गया 4 रन, और यहाँ पे दर्शकों में काफ़ी खुशी का माहौल है। तो अब तीसरा बॉल जाते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़ोरदार बॉल पड़ा है, लेकिन ये क्या यहाँ पे कैच आउट हो गए मिस्टर इरशाद, और दर्शकों की उम्मीदें ख़त्म हो रही है, और यहाँ पे मिस्टर इरशाद आउट हो गए हैं। और यहाँ पे बैटिंग के लिए आएंगे कृष्णा, और स्ट्राइक पे हैं इश्तियाक, वो अभी भी उनका विकेट नहीं गया है। और देखते हैं चलिए क्या इश्तियाक और कृष्णा मिलके इस मैच को जीता पाते हैं या फिर नहीं जीता पाते हैं। और यहाँ पे मिनी ओवर लेके आए हैं मिस्टर दानिश, और दानिश का यहाँ पे चौथा बॉल, और ये क्या अभी बॉल को रोक रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अपना घड़ी उतार रहे हैं ताकि इनका घड़ी टूटे ना। लगता है पैर साहब का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया है। तो चलिए यहाँ पे ये मसला सुलझ गया है, और यहाँ पे दानिश द्वारा तीसरा ओवर का चौथा बॉल, और यहाँ पे काफी इजीली तरीके से 6 रन जाते हुए यहाँ पे। और ये मिस्टर दानिश द्वारा सेकेंड लास्ट बॉल, और ये भी काफ़ी इजी तरीके से इन्होंने 6 रन निकाल दिए हैं, और यहाँ पे टोटल हो गए हैं इनके 38 रन। और ये लास्ट बॉल, और यहाँ पे कैच होते होते ही कृष्णा का विकेट बच गया, और यहाँ पे डांस करते हुए ओवर की समाप्ति। तो जवान टीम के हो गए टोटल 38 रन, और जीत के लिए चाहिए सिर्फ 11 रन। तो बैटिंग कर रहे हैं मिस्टर इश्तियाक, और बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर दानिश, और स्ट्राइक पे है कृष्णा, और यहाँ पे पहला बॉल पे 0 रन, और दूसरा बॉल काफ़ी इजी तरीके से 4 रन गया, और यहाँ पे चौथे ओवर का तीसरा बॉल। लेकिन ये क्या जो आ रहे हैं वो बॉलर को रुकवा रहे हैं, अच्छा अच्छा चश्मा पहन रहे हैं, अरे ये उतार रहे हैं, यानी कि पहन रहे उतार रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहता है। और ये चौथा ओवर का तीसरा बॉल, और ये क्या, ये तो आउट हो गया, बैट पहले घुमा दिया, बॉल जाके स्टंप पे लग गया, और यहाँ पे इजिली आउट हो गया, इसको चश्मा पहन लेना चाहिए था, आउट नहीं होता, कम से कम 4 तो मारता। और यहाँ पे चौथे ओवर का चौथा बॉल, और ये गया, ये भी मिस हो गया, और सिर्फ 2 बॉल में चाहिए अपने को जीतने के लिए 7 रन। मैच जीतना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये क्या बॉलर क्या कर रहा है, उसमें घिस क्यों रहा है, लगता है खुजली हो गया क्या उसको, पूरा एकदम फूक फूक के थूक थूक घिस रहा है, एक है पीछे भी घिस रहा है, लगता है उसको खुजली हो गया है। और ये घिसते हुए पांचवा बॉल, और ये इजीली 6 रन गया, और इसी के साथ मैच हो गया ड्रा, और जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 1 बॉल में 1 रन। और यहाँ पे जादू टोना करते हुए लास्ट बॉल, और यहाँ पे इस मैच को जवान टीम जीत चुकी है। और भाई क्या हाल है, चीटिंग करके मैच खेलते हो, क्या चीटिंग का पता चल गया ना, चीटिंग किया तू लोग मैच में, क्या चीटिंग, क्या चीटिंग, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है,
मैच हार जीत तो घूस खा के आया है। मैच खिलाने तो घूस खा के आया है। क्या चीज का पैसा देने के लिए बोल रहा है? हार में जीत का मैच है, तुम लोग लड़ते का हो? लड़ने झगड़ने नहीं यार। सो गाइस, पता है आप सभी को वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी लाइक का गुंजाइश है तो आप सभी लाइक कर देना। सबका बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। बहुत दूर से आए हम लोग, घर से करीब 40 किलोमीटर दूर आए हैं सिर्फ क्रिकेट का वीडियो बनाने के लिए। हम लोग सोच रहे थे कि अभी क्रिकेट का मैच आने वाला है जो वर्ल्ड कप चलेगा, तो उसी के चक्कर में क्रिकेट का वीडियो प्लान किए तो शूट हो गया। लेकिन पता नहीं अब कैसा बनेगा वीडियो, कैसा लग रहा है आप सभी को। और इतना तो पता है कि वीडियो अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी लाइक कर देना। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी भाइयों को यानी कि इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, बाकी वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। एंड सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो जाएगा। अभी नए हैं तो थोड़ा सीखने में टाइम लग रहा है, लेकिन सब इम्प्रूव हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा कॉन्टेंट आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना, और आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।